हेलो फ्रेंड, पश्चिम ओडिशा ब्लॉग चैनल में आप सभी को स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं सजना साग रेसिपी, यानी मुनगा साग का रेसिपी बनाएंगे। वो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम हमारे घर के बगीचे में है पेड़, ये देखो कैसा अच्छा दिख रहा है। ये पेड़ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। एक एक को हम तोड़ के ला रहे हैं। और एक तो इधर भी है पेड़। ये है, इसको भी तोड़ते हैं। फ्रेश फ्रेश बनाएंगे, अच्छा लगेगा खाने के लिए। साग तोड़ने के बाद उसको झाड़ देंगे हम, तो इसके कीट जीप सब कुछ जो होता है वो निकल जाता है। एक तो बर्तन में इस साग को भाज देंगे हम। एक पत्ता को भाज देंगे, बाकी डंडी को फेंक देंगे। एकदम देसी स्टाइल में हम इसको बनाएंगे रेसिपी। कोई ज़्यादा सामान नहीं लगेंगे इसमें। कम तेल, कम प्याज, कम लहसुन मिर्च में इसको हम बनाएंगे, अच्छा लगेगा। चलो इसको बाज देते हैं हम और डंडी सबको फेंक देते हैं। हो गया, ये थोड़ा पानी देके इसको भिगा देंगे, निचोड़ देंगे हम। यानी जो कोई भी पत्ते में बड़ी मिर्च, लहसुन और सरसों और स्वाद अनुसार नमक लेंगे, थोड़ा तेल, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, ज़्यादा तेल देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, शरीर के लिए भी ठीक नहीं है ज़्यादा तेल। हमारा गैस फ्लेम ऑन हो गया है, कढ़ाई भी तप गया है। इसके बाद सरसों हम दे दिया है। लहसुन दे दिया है। थोड़ा गोल्डन कलर इसको हम करेंगे। मिर्च भी दे देते हैं। फ्लेम लो करके बनाइए, नहीं तो ये फूट जाएगा मिर्च। तेल पुराना ना जल गया तो काला हो जाएगा। इसको मीडियम फ्लेम में इसको बनाइए। उसके बाद बड़ी हम दे देंगे।
ये घर का बड़ी है। उड़द दल का बड़ी, उसके बाद साग को हम दे देंगे। और चम्मच में इसको चला देते हैं, मिला के सब कुछ। नमक स्वाद अनुसार दे देंगे, ज़्यादा नमक नहीं देना, ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। पानी थोड़ा मात्रा में दे देंगे, नीचे लग जाएगा। सब जगह लग जाएगा तो पानी ऑटोमेटिकली इसमें साथ ही निकलेगा, नीचे नहीं लगेगा कढ़ाई में। थोड़े मात्रा में पानी दे देंगे, ज़्यादा पानी नहीं देंगे। चम्मच अच्छी तरह से चला देते हैं। सजना साग शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, कम से कम हफ्ते में 3 बार खाना चाहिए इसको। कैल्शियम, पोटेशियम सब विटामिन है इसमें। डॉक्टर लोग भी इसे खाने के लिए सलाह देते हैं हमेशा। और थोड़ा एक बार फिर चला लेते हैं। ये हो गया है, इसको प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अब इसको खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। ऐसे वीडियो आगे और लाएंगे। धन्यवाद।